राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वी नेक कॉलर डिजाइन। तो ये नेक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और कैसे इसको कटिंग करेंगे और कैसे सिलाई करेंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैंने पेपर फ्यूजिंग ले लिए, अब इस पे नेक को कटिंग करेंगे। तो ऊपर से नेक की नेक को ब्रॉड मैं 3 इंच रखूंगी और यहाँ से लंबाई 7.5 इंच, तो आप अपने नेक के अकॉर्डिंग ले लें। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमें प्रॉपर ही बी नेक लेना है, इसमें कोई भी राउंड शेप नहीं देनी है। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे ही नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इनको भी ऐसे ही मिला देंगे इस तरह से। अब इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके कॉलर की भी साथ ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कॉलर को कैसे कटिंग करेंगे। जैसे हमें नेक की लंबाई ली है 7 इंच, तो इसमें हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो ये 2.5 इंच है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से जहाँ से 2.5 इंच लिया, यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे ऐसे। अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। ये मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, तो चलिए मशीन पे मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी। नेक के ऊपर से ये बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, जो इसको नेक के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद नेक के बिल्कुल ही पास से सिलाई लगा लेंगे एक। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद पहले हम कॉलर को तैयार करेंगे। ये मैंने इसके नीचे एक पट्टी और ले ली है इस तरह से, तो इसके यहाँ से और ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। ये मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद इसको हम सीधी तरफ को पलट लेंगे ऐसे, इस तरह से। पलटने के बाद इस पर प्रेस लगा लेंगे और ऐसे ही मैं इसको भी पलट लेती हूँ। ये मैंने दोनों पार्ट को ही तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब ये जो नेक पे मैंने सिलाई लगाई थी फ्यूजिंग के पास पास में, इसको इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर से ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ सेंटर में अच्छे से मिला लें। Thank you.
ऐसे ही सेम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये दोनों तरफ सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। अब इसको हम नेक को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये कुर्ती में मैंने सीधी तरफ सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अभी सेंटर से ही नेक का सेंटर मिला के और सेंटर में सिलाई लगाएंगे पहले। अब नेक के पास से सिलाई लगा लेंगे। जो मैंने नेक पे पहले सिलाई लगाई थी पेपर फ्यूजिंग पे, उसी सिलाई के ऊपर हमें कॉलर को अटैच करना है और कॉलर वाली ही सिलाई के ऊपर हम अब ये नेक को अटैच करेंगे। इसमें अलग अलग सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब अंदर के कपड़े को कट कर देंगे। ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसको हम इस तरह से उल्टी तरफ को पलट लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर से मैंने ये टॉप सिलाई लगाई है। यहाँ से बिल्कुल ही बारीक सिलाई लगानी है। और ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस साइड से भी और इस साइड से भी ये कॉलर है जो ये गुम है, कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी अगर आप इस तरह से कॉलर लगाओगे। और अंदर की तरफ जैसे हम नेक को लगाते हैं ऐसे ही नेक पर तुरपाई कर लेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कॉलर नेक डिज़ाइन की, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।